dendrite is going to receive the signal from the surrounding environment, and this direction is from this side to this side. Okay, so neurofibrils का basically function क्या होता है कि जितने भी signal dendrites receive करते हैं उस सिग्नल को रिसीव करने के बाद वो ट्रांसमिट कर देता है एक्सोन की साइड, यानी कि चाहे आपका डेंड्राइट्स किसी भी डायरेक्शन के अंदर स्प्रेड हो, ब्रांच लाइक स्ट्रक्चर होती है, सो हर एक डायरेक्शन के अंदर ये स्प्रेड होते हैं टू इंक्रीज द सरफेस एरिया सो दैट मैक्सिमम सिग्नल को रिसीव कर सके एन इफेक्टिव मैनर में. तो जितना भी यहाँ से आपका चाहे इस डायरेक्शन से सिग्नल आया हो चाहे इस डायरेक्शन सिग्नल आया हो, सारा का सारा जो न्यूरोफाइब्रल्स है सिग्नल को डायरेक्ट कर देते हैं कि वो आपके एक्सटर्नल बॉडी की तरफ डायरेक्ट हो जाए. राइट, ऑलवेज डिस्कस दैट यहाँ पे एक हिलॉक रीजन होता है. दिस हिलॉक रीजन इज दैट रीजन, ये इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि एक तो यहाँ से हमारा एक्सोन रीजन कनेक्टेड होता है सेल बॉडी के साथ, दूसरा यहीं से हमारा एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है. मेक श्योर कि जो एक्शन पोटेंशियल होता है वो जनरेट होता है एक्सोन के अंदर, और यही रीजन है जहां से सेल बॉडी और एक्सोन कनेक्टेड होते हैं. सो दिस इज द पॉइंट वेयर द एक्शन पोटेंशियल इज गोइंग टू बी जनरेटेड. वी विल डिस्कस अबाउट दैट लेटर. ओके, सो सेल बॉडी के बारे में आपके जो कॉन्सेप्ट्स है वो क्लियर हो गए. तो डेंड्राइट्स के बारे में हमने देखा कि जो डेंड्राइट्स होते हैं फाइन स्ट्रक्चर्स होती हैं, ब्रांच लाइक स्ट्रक्चर्स होती हैं, जो कि हर एक डायरेक्शन के अंदर स्प्रेड हो रही होती है. ठीक है, और इनका जो सिग्नल का ट्रांसमिशन है वो सेंट्रिपिटल मैनर में होता है. सेंट्रिपिटल का मतलब जितना भी सिग्नल आएगा वो सारा का सारा आपका इस डायरेक्शन में डायरेक्ट कर दिया जाएगा. और इसके साथ साथ हमने देखा कि जो निसल ग्रेन्यूल हमारे सेंटर में प्रेजेंट थे वो निसल ग्रेन्यूल आपके डेंड्रॉइड्स के अंदर भी प्रेजेंट होती हैं, बट एक्सोन्स की बात करें तो एक्सोन्स के अंदर ना तो निसल ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं ना ही उनके पास सिर्फ न्यूरोफाइब्रल्स प्रेजेंट होते हैं. ठीक है, सो हमने क्या देखा, सेल बॉडी के अंदर क्या क्या प्रेजेंट है, निसल ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट है, न्यूरोफाइब्रल्स प्रेजेंट है बहुत ज्यादा अमाउंट में, यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट है, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया किस लिए चाहिए होगा, एटीपी सिंथेसिस के लिए. राइट, we already discussed about that. Now, exon के अगर brief way में उसकी structure देखें, it is the longest cell process of the cyton. Cyton यानि पूरा जो neuronal cell होता है उसके अंदर जो longest part होता है that is the exon region. Exon region के बारे में बहुत interesting से feature आपको यहाँ से देखने को मिलेंगे. इसका जो diameter होता है ना वो uniform होता है throughout the, मतलब इसकी लेंथ में थ्रू आउट द लेंथ आप देखोगे एक यूनिफॉर्म डायमीटर होगा. जो डायमीटर आपको हिलॉक रीजन में देखने को मिल रहा है वही डायमीटर आपको एक्सोनल टर्मिनल के पास में देखने को मिलेगा. एक ये भी डिफरेंस है जिससे आप डिफरेंशिएट कर सकते हो कि डेंड्रॉइड्स और एक्सोन दोनों कैसे अलग अलग हुए, बिकॉज नेचुरल कंडीशन के अंदर आपको आपका न्यूरॉन कुछ इस तरीके का नहीं देखने को मिलेगा. मतलब ऐसे नहीं देखने को मिलेगा कि टिश्यू के अंदर कोई इस तरीके की स्ट्रक्चर प्रेजेंट है. नो, नेचुरल कंडीशन में आपका सेल बॉडी किसी और टिश्यू में होता है, आपका एक्सोन टर्मिनल किसी और टिश्यू में होता है. तो इन दैट केस आप डिफरेंशिएट कैसे कर पाओगे कि विच वन इज एक्सोन विच वन इज डेंड्राइट. देन आप ये एक एज अ यूज कर सकते हो फीचर की तरह कि एक्सोन्स जो होते हैं उनका एक यूनिफॉर्म डायमीटर होता है एंड इट कंटेन द एक्सोप्लाज्म. एक्सोप्लाज्म इज बेसिकली नथिंग. आपको पता है कि जितनी भी हमारे इस बायोलॉजिकल वर्ल्ड के अंदर सेल्स प्रेजेंट होती है उस सेल्स के अराउंड में हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है. सो एक्सोन के केस में जो कवरिंग प्रेजेंट है, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रेजेंट है, उसे हम एक्सोप्लाज्म कह देते हैं. एक्सोप्लाज्म एक्सोलेमा कह देते हैं, नॉट एक्सोप्लाज्म. एक्सोप्लाज्म इज द सेंट्रिक मटीरियल जो साइटोप्लाज्म की तरह इसके अंदर फिल्ड होता है, वो हमारा एक्सोप्लाज्म होता है. जो कवरिंग होती है उसे हम एक्सोलेमा कहते हैं. ठीक, निसल ग्रेन्यूल्स आर एब्सेंट. वी ऑलरेडी डिस्कस कि एक्सोन रीजन के अंदर निसल ग्रेन्यूल्स नहीं होते. ठीक है, इट कंटेन ओनली न्यूरोफाइब्रल्स. न्यूरोफाइब्रल जो कि आपके स्टिमुलेशन के ट्रांसफर में हेल्प करता है. माइटोकॉन्ड्रिया होगा बहुत एक्सेस अमाउंट में. माइटोकॉन्ड्रिया इसलिए चाहिए क्योंकि जब देखो हम समझेंगे किस तरीके से ट्रांसमिशन होता है, तो वहां पे मैं आपको चैनल्स के बारे में बताऊंगी कि जो एक्सोन रीजन होता है उसके अंदर बहुत सारी चैनल्स प्रेजेंट होती है. चैनल्स बेसिकली हमारा पाथ होता है, एक रास्ता होता है जिसके थ्रू आयन ट्रांसफर हो सकते हैं. ये पूरा मैकेनिज्म आपको समझ में आएगा. अभी बस इतना याद रखिए कि हमने क्या पढ़ा था कि हमारे जो एक्सोनल सेल्स होती हैं उनके थ्रू इलेक्ट्रिक इम्पल्सिस ट्रांसमिट होता है, और इलेक्ट्रिकल इम्पल्सिस बेसिकली द ट्रांसफर ऑफ द आयन, और वो भी चार्ज आयन का. तो चार्ज आयन के चार्जिंग के लिए आपको एनर्जी चाहिए,
और ट्रांसफर के लिए आपको चैनल्स चाहिए, क्योंकि चार्ज भी तो कहीं से आएगा, तो उस चैनल्स के थ्रू ही हमारे चार्ज पास आउट होते हैं, और उन चैनल्स की फंक्शनिंग के लिए भी हमें एटीपी चाहिए होती है। इसीलिए जो एक्सोन रीजन है उसके अंदर नेसल ग्रेन्यूल्स नहीं होते, बट उसके अंदर एक्सेस अमाउंट में न्यूरोफाइब्रिल्स और माइटोकॉन्ड्रिया देखने को मिलते हैं, ताकि इनफ अमाउंट में वहां पे एनर्जी प्रोडक्शन हो सके और प्रॉपर मैनर में एक्शन पोटेंशियल का ट्रांसफर हो सके। और एक्शन पोटेंशियल, इसका नाम भी कह रहा है कि एक्शन पोटेंशियल है, तो समहाउ उसके अंदर भी एनर्जी चाहिए। सो जितना ज्यादा माइटोकॉन्ड्रिया होगा उतना इफेक्टिवली इलेक्ट्रिक इंपल्सेस ट्रांसमिट हो पाएंगे। सो एक्सोन इज कवर्ड बाय एक्सोलेमा, वी डिस्कस्ड अबाउट दैट पार्ट ऑफ साइटोन वेयर एक्सोन अराइजेस कॉल्ड एक्सोन हिलॉक। द एक्सोन हिलॉक इज द न्यूरॉन्स ट्रिगर जोन। ट्रिगर जोन का मतलब होता है जहां से ट्रिगर होती है एक्शन पोटेंशियल, जहां से इनिशिएट होता है, ट्रिगर होता है। सेल बॉडी के अंदर कोई एक्शन पोटेंशियल नहीं होता। सेल बॉडी का सिंपल सा इतना कंसेप्ट है कि उसका काम है डेंड्राइट की हेल्प से सिग्नल को रिसीव करना और उसको न्यूरोफाइब्रिल की हेल्प से उस कंडक्शन को ट्रांसमिट कर देना एक्सोन की तरफ, लेकिन वहां पे एक्शन पोटेंशियल जनरेट नहीं होता। एक्शन पोटेंशियल सिर्फ आपके इतने रीजन के अंदर जनरेट होता है, यहां से स्टार्ट होता है एक्शन पोटेंशियल जनरेट होना, इसीलिए हम इसे ट्रिगर रीजन बोलते हैं, ट्रिगर जोन बोलते हैं, बिकॉज इट इज अ साइट वेयर एक्शन पोटेंशियल्स आर ट्रिगर्ड। The terminal end of axon is branched in button-shaped branches called the telodendria. कि जो ये टर्मिनल रीजन होता है, यहाँ पे आपको कुछ बटन्स लाइक यहाँ पे नोब लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होती हैं, इन्हें हम कहते हैं टेलोडेंड्रिया। डेंड्रिया इसीलिए कहा क्योंकि डेंड्रियाइड्स की जैसे ही ब्रांचिंग स्ट्रक्चर होती है, बट इट इज क्वाइटली डिफरेंट फ्रॉम द डेंड्रॉइड्स। एक्चुअल डेंड्रॉइड से डिफरेंट होता है, क्यों होता है देखते हैं। डेंड्रॉइड्स के अंदर हमने पहली चीज यहां से डिस्कस करी थी कि इसके अंदर नेसल ग्रेन्यूल्स होंगे, लेकिन जब आप एक्सोन टर्मिनल्स की बात करते हो, टेलोडेंड्रियाइड्स की डेंड्रियाइड्स की बात करते हो, तो आपको क्या देखने को मिलता है कि इनके पास माइटोकॉन्ड्रिया तो प्रेजेंट है, नॉब लाइक स्ट्रक्चर है, बट इनके पास नेसल ग्रेन्यूल्स नहीं होते। सो नेसल ग्रेन्यूल्स इज स्पेसिफाइड, मतलब एक फीचर है जो सिर्फ सेल बॉडी के अंदर ही मिलता है। टेलोडेंड्रॉइड्स के अंदर आपको किसी भी तरीके के नेसल ग्रेन्यूल्स देखने को नहीं मिलते, बट यहाँ पे एक्सेस अमाउंट में आपके न्यूरोफाइब्रिल्स भी प्रेजेंट है और माइटोकॉन्ड्रिया भी प्रेजेंट है। नॉब लाइक स्ट्रक्चर इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसके अंदर वेसिकल्स प्रेजेंट होती है, जिन्हें हम साइनेप्टिक वेसिकल्स भी कहते हैं। साइनेप्टिकल वेसिकल बेसिकली वेसिकल का मतलब होता है कि कुछ आपका एक वेसिकल लाइक वेसिकल्स होती हैं, हॉलो बॉडीज होती हैं, जो कुछ मतलब उनके अंदर कंटेन होता है, उनके अंदर कुछ प्रेजेंट होगा, या तो कोई आपका फैट मॉलिक्यूल, लिपिड मॉलिक्यूल, या समथिंग अदर, कोई एंजाइम उसके अंदर फिल्ड होता है। तो साइनेप्टिक वेसिकल आर स्पेसिफिक वेसिकल दैट प्रेजेंट इन द टर्मिनल रीजन ऑफ द एक्सोन टर्मिनल रीजन, जिसके अंदर स्पेसिफिकली यहाँ पे ट्रांसमीटर्स स्पेल्स होते हैं। ट्रांसमीटर्स का बेसिकली काम क्या होता है, देखिए आपके जो यहाँ ये रीजन होता है ना, उसे हम कहते हैं एक्सोन टर्मिनल। जब ये एक्सोन सिग्नल रिसीव करने के बाद, यहाँ से आपका सारा सिग्नल है उसकी डायरेक्शन ऐसी है, सिग्नल आपका डेंड्रॉइड्स के थ्रू एक्सोन में एंटर किया, एक्सोन के एंटर करने के बाद आपका एक्सोन टर्मिनल रीजन में सिग्नल पहुंच गया। ठीक है, यहाँ पे सिग्नल पहुंचने के बाद अब हमारा नेक्स्ट न्यूरोन होगा, नेक्स्ट न्यूरॉन के हमारे कुछ डेंड्रॉइड्स हैं। ठीक है, ये नेक्स्ट न्यूरॉन्स है, नेक्स्ट न्यूरॉन की हमारी सेल बॉडी है, उसके कुछ यहाँ पे डेंड्रॉइड्स प्रेजेंट है, और स्ट्रक्चर थोड़ा सा सही बना लेते हैं ताकि आपको समझ में आए। और वी नो दैट कि एक न्यूरॉन जो है वो सिग्नल को रिसीव करने के बाद दूसरा न्यूरॉन को सिग्नल को ट्रांसमिट करता है। ये ट्रांसमिशन कैसे होता है कि ये टर्मिनल रीजन कॉन्टेक्ट में रहेगा, दूसरे का जो डेंड्रॉइड्स रीजन होता है उसके कॉन्टेक्ट में रहेगा। अब ये सिग्नल कैसे ट्रांसमिट होता है, सिग्नल दो तरीके से ट्रांसमिट होता है, या तो इलेक्ट्रिकली ट्रांसमिट होगा या फिर केमिकली। क्योंकि हमारी ह्यूमन बॉडी के अंदर मेनली केमिकल ट्रांसमिशन होता है, तो हम लोग कहते हैं कि यहाँ पे जो नॉब लाइक वेसिकल्स प्रेजेंट होती है एक्सोन टर्मिनल के अंदर, इन साइनेप्टिक वेसिकल के अंदर एक केमिकल फील्ड होता है, उस केमिकल को हम लोग ट्रांसमीटर कहते हैं। ट्रांसमीटर क्यों कहते हैं, क्योंकि इसका काम है जो भी इम्पल्सेस आई है उसको ट्रांसमिट करना। अब ट्रांसमिट कैसे करेगा कि जैसे सिग्नल आपका यहाँ तक एक्सोन टर्मिनल रीजन तक पहुंच जाता है, उसके बाद ये वेसिकल जो होती है पुश होती है और यहाँ पे इस मेम्ब्रेन के पास में ये फ्यूज हो जाती है, जस्ट जो भी ट्रांसमीटर के अंदर फील्ड होता है वो रिलीज कर देती है। और यहां से वो रिलीज करने के बाद
यहाँ पे प्रेजेंट होगा इस साइनेप्टिक क्लैफ्ट रीजन में। इस रीजन को हम लोग बोलते हैं साइनेप्टिक क्लैफ्ट, ठीक है, वो डिस्कस करेंगे आगे पूरा अच्छे से इमेज में आपको समझ में आएगा। सो इस साइनेप्टिक क्लैफ्ट रीजन के अंदर ये केमिकल सब्सटेंस को रिलीज कर देते हैं जिसे हम ट्रांसमीटर कहते हैं, और ये ट्रांसमीटर एक लाइगेंड की तरह काम करता है। लाइगेंड की तरह काम करेगा क्योंकि हमने पहले ही बताया था कि जो डेंड्रॉइड्स होते हैं ना उनके सर्फेस पर बहुत सारे रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं, तो अब इन रिसेप्टर्स के ऊपर लाइगेंड भी तो आके बाइंड करेगा ना। तो जो हमारा एडजेसेंट न्यूरॉन होगा उसके डेंड्रॉइड्स के सरफेस पर जो रिसेप्टर प्रेजेंट है उन पे जाके आपके ये ट्रांसमीटर बाइंड करेंगे, एंड देन आपका अगेन आपका सिग्नल एक इम्पल्स जनरेट होगी उस न्यूरोनल सेल के अंदर, और इस तरीके से आपका सिग्नल ट्रांसमिट होता है। कंफ्यूज नहीं होना है, अभी हम सिर्फ स्ट्रक्चर को समझ रहे हैं। तो आपको क्या ध्यान रखना है, एक्सोन का जो टर्मिनल रीजन होता है वो नोब लाइक स्ट्रक्चर होती है जिसे हम लोग टेलोडेंड्रिया कहते हैं। ये नोब लाइक स्ट्रक्चर बेसिकली कुछ स्पेसिफिक टाइप की वेसिकल्स होती है जिन्हें हम लोग साइनेप्टिक वेसिकल कहते हैं, वेसिकल जिसके अंदर कुछ फील्ड होता है। और जब हम साइनेप्टिक वेसिकल की बात करते हैं तो इनके अंदर क्या फील्ड है, कुछ स्पेसिफिक टाइप के ट्रांसमीटर प्रेजेंट है, क्योंकि ये ट्रांसमीटर वेरी करते हैं। कई बार आपका कुछ पेप्टाइड इन नेचर भी होते हैं, कुछ आपके केमिकल नेचर के होते हैं जैसे एसिटाइलकोलाइन हो गया, कुछ पेप्टाइड्स भी होंगे, है ना। तो डिफरेंट डिफरेंट के नेचर के प्रेजेंट होते हैं, इसीलिए हम इन्हें ट्रांसमीटर कहते हैं स्पेसिफिकली, ठीक है। मोर माइटोकॉन्ड्रिया फॉर्म इन द टेलोडेंड्रिया, की जो टेलोडेंड्रिया रीजन है उसके अंदर ज्यादा अमाउंट में माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होगा। अभी तो आप रिलेट कर सकते हो कि माइटोकॉन्ड्रिया क्यों प्रेजेंट है, क्योंकि उसे एक्सेस अमाउंट के अंदर एनर्जी चाहिए होती है, राइट। कुछ सिंथेसाइज एसिटाइल कोलिन, देखो यहाँ पे जो एसिटाइल कोलिन जिसकी हमने बात करी है ये ट्रांसमीटर है, एक ट्रांसमीटर है। मेजोरिटी में ह्यूमन की जो सेल्स होती है उसके अंदर एसिटाइल कोलिन ही यूज होता है एज अ ट्रांसमीटर। सो इसीलिए हम इसे कलेक्टिवली एसिटाइल कोलिन, मतलब स्पेसिफिकली हम एसिटाइल कोलिन को लेके चलते हैं कि उन वेसिकल के अंदर एसिटाइल कोलिन फिल्ड होता है। अभी एसिटाइल कोलिन फिल्ड तो हो गया, ठीक है, तो साइनेप्टिक वेसिकल क्या करेगी, इसको स्टोर हाउस की तरह काम करेगी जिसके अंदर एसिटाइल कोलिन फिल्ड होगा। लेकिन ये एसिटाइल कोलिन कहीं से सिंथेसाइज भी तो हुआ होगा, तो सिंथेसाइज कैसे हुआ कि टेलोडेंड्रिया के अंदर जैसे हमने कहा बहुत सारे माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट है, अब ये माइटोकॉन्ड्रिया उसी एसिटाइल कोलिन को सिंथेसाइज करने वाले हैं एक एंजाइम को यूज करके, और वो एंजाइम कौन सा होता है, कोलिन एसिटाइल ट्रांसफेरेज एंजाइम, ठीक है। तो एक स्पेसिफिक टाइप का एंजाइम एक्सोप्लाज्म के अंदर, टर्मिनल रीजन के एक्सोप्लाज्म के अंदर प्रेजेंट होता है, जिसका बेसिकली काम क्या है कि वो माइटोकॉन्ड्रिया की एनर्जी को यूटिलाइज करके एसिटाइल कोलिन को सिंथेसाइज करने वाला है। दिस एसिटाइल कोलिन एक्ट एज अ ट्रांसमीटर, जो कि जब इम्पल्सिस आएंगी एक्सोन टर्मिनल रीजन तक इम्पल्सिस पहुंचेंगी तो ये साइनेप्टिकल वेसिकल जिसके अंदर एसिटाइल कोलिन फिल्ड है वो बर्स्ट कर जाती है, और जितना भी उसके अंदर एसिटाइल कोलिन होता है उसे बाहर की तरफ साइनेप्टिक क्लेफ्ट के अंदर रिलीज कर देती है, ठीक है। ओके, सो एक्सोन इज अ फंक्शनल पार्ट, इसीलिए अभी समझ में आया एक्सोन को हम लोग फंक्शनल पार्ट क्यों कहते हैं। फंक्शनल पार्ट इसलिए कहते हैं बिकॉज नर्वस सिस्टम का मेन फंक्शन होता है सिग्नल को रिसीव करना और मोटर ऑर्गन या फैक्टर ऑर्गन तक मोटर न्यूरॉन को पहुंचाना या रिस्पॉन्स को पहुंचाना। तो ये रिस्पॉन्स आपका बेसिकली न्यूरोनल सेल की वजह से ही आपका ट्रेवल करता है, ट्रांसपोर्ट होता है, या कहेंगे कम्युनिकेट करती है आपके नर्वस सिस्टम विद द हेल्प ऑफ दिस न्यूरोनल सेल। और ये न्यूरोनल सेल फंक्शनल इसीलिए है क्योंकि इन्हीं के अंदर इलेक्ट्रिकल इंपल्स जनरेट होती है। जो हमने सेकेंड टाइप की सेल डिस्कस करी थी जिसे हमने कहा था न्यूरोगैलियल सेल्स, न्यूरोगैलियल सेल्स को फंक्शनल सेल इसलिए नहीं कहा जाता क्योंकि उनके अंदर कोई भी इंपल्स जनरेट नहीं होती, वो सिर्फ एक सपोर्टिंग सेल की तरह काम करती है, राइट, ठीक है, इसलिए हम उन्हें फंक्शनल नहीं कहते। फंक्शनल पार्ट हमारा सिर्फ एक्सोन होता है। Therefore, the term nerve fiber usually refer to axon, और इसीलिए हम जो नर्व फाइबर की बात हमने करी थी, हमने डिफरेंस भी देखा था कि नर्व फाइबर में और एक न्यूरोनल सेल के अंदर क्या डिफरेंस है। तो जब हम नर्व फाइबर की बात करते हैं तो हम उस रीजन की बात करते हैं जिसके अंदर इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जनरेट हो रही है। और अभी हमने समझा कि न्यूरोनल सेल के अंदर जिसको हमने तीन पार्ट में डिवाइड किया है सिर्फ उसका एक्सोन रीजन है जिसके अंदर इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस जनरेट होती है। सोमा बॉडी के अंदर कोई भी इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस नहीं होती, वहां कोई एक्शन पोटेंशियल नहीं होता, ठीक है। सो एक्सोन इज कवर्ड बाय लेयर फॉस्फोलिपिड, इसके बारे में मैंने कल भी आपको डिस्कस किया था कि जो एक्सोन रीजन होता है उसके ऊपर एक कवरिंग लगी होती है, ये इंसुलेटिंग कवरिंग होती है, और ये इंसुलेटिंग कवरिंग को हम लोग एक नाम दे देते हैं जिसे हम कहते हैं माइलिन शीट।
स्माइल इन शीट की फॉर्मेशन कौन करा रहा है? स्पेसिफिक टाइप की सेल्स जिसे हम कहते हैं स्क्वाइल सेल्स, विच इज अगेन अ टाइप ऑफ न्यूरोगैलियल सेल्स। ठीक है, ये स्क्वाइल सेल्स इस व्हाइट कलर के पिगमेंट को सिंथेसाइज करती है जिसे हम कहते हैं माइलिन, और उसी माइलिन के डिपोजिशन से एक कवरिंग बनती है एक्सोन के टर्मिनल रीजन पर, सो नॉट टर्मिनल, एक्सोन के जो इलोंगेटेड रीजन होता है उसके ऊपर, उसे हम कहते हैं माइलिन शीट। और उसी माइलिन शीट की प्रेजेंस और एब्सेंस के बेस पर हम कहते हैं कि हमारा एक्सोन माइलिनेटेड टाइप है या फिर नॉन माइलिनेटेड टाइप है। ठीक है, मेड्यूला मेड्यूला हम उसे कहते हैं जो हमारा सेंटर पार्ट है, जो इलोंगेटेड स्ट्रक्चर हमारा प्रेजेंट है उसे मेड्यूला कह देते हैं। मेड्यूला इज कवर्ड बाय द थिन सेल मेम्ब्रेन विच इज कॉल्ड द न्यूरोलेमा। यस, ये आपको समझने की जरूरत है। देखिए, यहाँ जो हमने स्ट्रक्चर देखा, हमने कहा कि ये हमारा एक्सोन है, इस एक्सोन के ऊपर ये जो प्रेजेंट है इन्हें हम कहते हैं स्क्वाइल सेल्स। ये स्क्वाइल सेल्स क्या करती है? माइलिन को सिक्रेट करती है, माइलिन को सिंथेसाइज करती है, जिससे इसके ऊपर एक कवरिंग बन जाती है। ठीक है, ये कवरिंग भी ऐसी होगी कि बीच के अंदर ये स्पेस प्रेजेंट होगा, यानी कि कुछ स्पेस छोड़ छोड़ के ये कवरिंग बनेगी, माइलिन शीथ की कवरिंग बनेगी, इंसुलेटिंग कवरिंग, है ना। इस जो बीच में जो स्पेस होता है इसे हम कहते हैं नोड ऑफ रानवियर। नोड ऑफ रानवियर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, जब जो ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रिकल इंपल्सिस का जब आप प्रॉपर समझोगे उसका किस तरीके से प्रोसीजर होता है, एक्शन पोटेंशियल ट्रेवल करती है, तब आपको समझ में आए कि नोड ऑफ रानवियर को क्यों पढ़ते हो। ठीक है, अभी आप इतना याद रखिए कि हमने कहा कि स्क्वाइल सेल्स होती है माइलिन शीथ को सिक्रेट करती है, उसकी वजह से एक माइलिन शीथ की कवरिंग बनती है जिसे माइलिन शीथ कहते हैं, और इस माइलिन शीथ की वजह से ही जो एक्सोन रीजन होता है ये व्हाइट कलर का अपियर होता है। ठीक है, जो व्हाइट कलरेशन है एक्सोन रीजन को, वो किसकी वजह से मिलता है? माइलिन शीथ की प्रेजेंस की वजह से। इसीलिए जो आपका सेल बॉडी होता है उसके अंदर कोई माइलिन पिगमेंट नहीं है, कोई माइलिन की कवरिंग नहीं है, इसलिए ये हमारा ग्रे कलर को इंपार्ट करेगा, और जो एक्सोन रीजन है उसमें माइलिन शीथ के प्रेजेंस की वजह से वो व्हाइट कलर को इंपार्ट करता है। रिमेम्बर दैट कि हमने जब लास्ट लेसन में नर्व फाइबर और न्यूरॉन सेल के बीच में डिफरेंस किया था, तो हमने ये बात भी समझी थी कि नर्व फाइबर व्हाइटिश इन कलर होती है। व्हाइटिश क्यों बोला था? क्योंकि नर्व फाइबर के अंदर हम सिर्फ एक्सोन रीजन को इंक्लूड करते हैं और नर्व फाइबर के अंदर बहुत सारे एक्सोन्स आते हैं, तो एक्सोन्स आर व्हाइटिश इन कलरेशन, इसलिए नर्व फाइबर का कलर भी व्हाइट ही था। ठीक है, यस, तो आपका जो एक्सोन रीजन होता है उसमें अपनी कवरिंग तो प्रेजेंट होती ही है जिसे न्यूरोलेमा कहते हैं, और न्यूरोलेमा आपके दोनों टाइप, चाहे वो माइलिनेटेड आपका एक्सोन हो चाहे वो नॉन माइलिनेटेड एक्सोन हो, दोनों के अंदर न्यूरोलेमा प्रेजेंट होती है। बट माइलिनेटेड के अंदर आपको मेड्यूला और माइलिन शीथ देखने को मिलेगी, नॉन माइलिनेटेड के अंदर आपको मेड्यूला और माइलिनेटेड शीथ नहीं देखने को मिलते। Squamous cells take part in the deposition of myelin sheath, we already discussed, and the process is known as the myelinogenesis. Myelin sheath act as an insulator. इंसुलेटर की तरह काम करती है, जस्ट लाइक योर वायर, वायर के ऊपर जो प्लास्टिक की कवरिंग होती है उसकी तरह आपका माइलिन शीथ काम करता है, एंड इट प्रिवेंट द लीकेज ऑफ आयरन, कंजर्व द एक्सोन एनर्जी। अगर एक इंसुलेटिंग कॉर्ड प्रेजेंट होगा तो इफेक्टिव मैनर में इलेक्ट्रिक इंपल्स ट्रांसमिट हो पाएगी और लीकेज भी नहीं होगा आपके आयन्स का। अब हम डिफरेंस देख लेते हैं एक्सोन और डेंड्राइट्स के बीच में क्या डिफरेंस है। देखो, हमने क्या कहा कि हमारा जो टर्मिनल रीजन होता है उसमें जो एक्सोन की ब्रांचेस होती है उसे हम टेलोडेंड्रिया कह देते हैं। नाम तो वही है, डेंड्राइट्स वहां पे भी थे, डेंड्राइट्स यहाँ पे भी थे, डेंड्राइट्स यहाँ पे भी है, बट व्हाट द मेजर डिफरेंस इन बिटवीन दिस टू? तो आप कैसे डिफरेंशिएट कर पाओगे? एक्सोन जो होता है वो हर एक न्यूरोनल सेल के अंदर सिंगल एक ही एक्सोन प्रेजेंट होगा, एक न्यूरोनल सेल में सिर्फ एक एक्सोन देखने को मिलेगा। बट डेंड्रोइड्स की अगर बात करें तो वो ब्रांचेस की तरह फैले होते हैं, ट्री की ब्रांचेस जैसे हर डायरेक्शन में फैली होती है, वैसे ही डेंड्रोइड्स भी हर डायरेक्शन के अंदर फैले होते हैं, इसलिए एक न्यूरोनल सेल के अंदर मल्टीपल डेंड्रोइड्स आपके हो सकते हैं। एक्सोन हमारा डिस्चार्जिंग एंड होता है, डिस्चार्जिंग एंड इन द सेंस हमने कहा था जो सिग्नल है उसकी डायरेक्शन हमेशा कैसी होती है कि डेंड्रॉइड्स की तरफ से इस तरीके से सिग्नल आएगा सोमा बॉडी की तरफ और वो ट्रांसमिट हो जाएगा इधर, यानी कि यहां से जो आयन का फ्लो हो रहा है उसी तो इलेक्ट्रिकल इंपल्सिस कहते हैं, जो आयन का फ्लो हो रहा है वो इसी एंड के ऊपर तो डिस्चार्ज हो रहा है ना, तो इसीलिए एक्सोन को क्या कहा जाता है? डिस्चार्जिंग एंड, बिकॉज जितना भी चार्ज ऑफ आयन है जो इसके थ्रू ट्रेवल कर रहा था वो इसी एंड के थ्रू ही तो वो डिस्चार्ज हो रहा है, आयन की जो
पोलैरिटी हो यहाँ पे चेंज हो रही है। कैसे चेंज हो रही है कि यहाँ से जब इलेक्ट्रिक इम्पल्स ट्रेवल करते करते दूसरे एक जोन को जब वो ट्रांसमिट कर देगा, मतलब यहाँ से एक एंड के ऊपर डिस्चार्ज ऑफ आयन हो गया और जो दूसरे न्यूरोनल सेल है उसका डेंड्रॉइड चार्ज हो गया। ठीक है, समझ में आएगा जब पूरा ट्रांसमिशन समझेंगे। तो डेंड्रॉइड जो होते हैं वो रिसीविंग एंड है क्योंकि सिग्नल इसी एंड से रिसीव करता है, तो ये रिसीविंग एंड हो गया और सिग्नल यहाँ से निकल जाता है, इसलिए हम उसे डिस्चार्जिंग एंड कहते हैं। एक जोन जो है वो लॉन्गर होता है, समटाइम्स सेवरल मीटर्स, ठीक है, लेकिन डेंड्रॉइड जो होते हैं बहुत ही शॉर्टर होते हैं। एक जोन की यूनिफॉर्म लेंथ होती है, हमने अभी अभी देखा कि जो एक जोन होता है वो इलोंगेटेड जरूर है बट उसका लेंथ हमेशा आपको यूनिफॉर्म देखने को मिलेगा। बट डेंड्रॉइड्स के केस में क्योंकि वो हाईली ब्रांच्ड है इसलिए उनका डायामीटर भी वेरी करता है। एलार साइनेप्टिक नोड, नो सच स्ट्रक्चर। डेंड्रॉइड्स के अंदर कोई भी नोब लाइक स्ट्रक्चर नहीं है, कोई साइनेप्टिक वेसिकल यहाँ पे नहीं है, इसीलिए जो डेंड्रॉइड्स होते हैं उनके पास कोई नोब नहीं है, तो हम कह देते हैं कि इसके पास कोई ऐसी स्ट्रक्चर नहीं है। बट एक्सॉन टर्मिनल पर नोब लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है जिसके अंदर साइनेप्टिकल वेसिकल्स होती है। ओनली न्यूरोफाइब्रस नो नेसल ग्रेन्यूल्स, उसके साथ साथ इसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया भी प्रेजेंट होता है। माइटोकॉन्ड्रिया की बात करें तो माइटोकॉन्ड्रिया आपके थ्रू आउट द सेल, न्यूरोनल सेल के अंदर आपका पूरे इस रीजन के अंदर, चाहे आप सेल बॉडी की बात करें, एक्सॉन की बात करें, चाहे टर्मिनल रीजन की बात करें, माइटोकॉन्ड्रिया थ्रू आउट द न्यूरोनल सेल प्रेजेंट होता है। ठीक है, बोथ न्यूरोफाइब्रल एंड नेसल ग्रेन्यूल्स, डेंड्राइट्स के केस में न्यूरोफाइब्रल्स और नेसल ग्रेन्यूल्स दोनों ही प्रेजेंट होते हैं। कंडक्ट नर्व इम्पल्सिस अवे फ्रॉम सोना, एक्सॉन का काम होता है कि जो नर्व इम्पल्सिस है उसे सोना से यानी कि सेल बॉडी से दूर लेके जाना। डायरेक्शन समझ रहे हो ना कि ये डायरेक्शन होती है तो सिग्नल तो दूर ही जा रहा है ना, लेकिन इसका काम होता है कि नर्व इम्पल्सिस को सोमा की तरफ लेके आना। समझ में आया कि एक्सोन जो है वो डेंड्रॉइड से किस तरीके से डिफरेंशिएट करता है। अभी हम इनके फंक्शन देख लेते हैं कि जो हर एक पार्ट है उसका क्या फंक्शन है। ठीक है, स्ट्रक्चर समझ में आ गई तो आपको इतना समझने में इजी होगा कि क्या तो उनकी फंक्शनैलिटी होगी। और उसके बाद जब हम डीपली नर्वस सिस्टम का एक एक पार्ट करेंगे, ब्रेन को हम कंप्लीट करेंगे, स्पाइनल कॉर्ड को हम लोग देखेंगे, ब्रेन के अलग अलग पार्ट, सेरेबेलम, सेरेब्रम, बोन्स, मेड्यूला, इनके बारे में जो डिस्कस करेंगे तो आपको समझ में आएगा सारी चीजें। ठीक है, ओके। सो सेल बॉडी, सेल लाइफ, सपोर्ट सेंटर, सपोर्टिंग सेंटर होता है, सेंटर में न्यूक्लियस है, जेनेटिक मटेरियल होगा, तो जितनी भी इंफॉर्मेशन होगी वो सारी की सारी सेंटर में प्रेजेंट है। ये तो क्लियर है, बहुत ही बेसिक सी बात है। डेंड्रोइड्स की बात करी हमने, रिसीव मैसेज फ्रॉम अदर सेल, सेल से सेल के लिए जितने भी सिग्नल रिसीव करने का काम है वो सारा का सारा किसका काम है, डेंड्रॉइड्स का काम है। एक्सोन की बात करें तो इट पास मैसेज अवे फ्रॉम द सेल बॉडी टू अदर न्यूरॉन्स। के एक्सोन का काम क्या होता है कि जितने भी आपके सिग्नल्स होते हैं उसको यहाँ से सोमा बॉडी से दूर लेके जाना और इसको ट्रांसमिट करना जो भी हमारा एडजेसेंट न्यूरॉन होगा उसको, क्योंकि नर्वस सिस्टम के अंदर बेसिकली काम क्या होता है, यही होता है कि हमारे जो न्यूरॉन्स होते हैं वो एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होते हैं। कनेक्टेड कैसे होंगे कि एक न्यूरोनल सेल ने सिग्नल को रिसीव किया, वो इलेक्ट्रिकल इम्पल्सिस उसके अंदर जनरेट हुए, उसके अंदर वेव ट्रेवल करेगी, वही वेव फिर दूसरे न्यूरोनल सेल में और ऐसे ही एक-एक करके सारे न्यूरोनल सेल आपके एक्साइट होते चले जाएंगे और इंफॉर्मेशन जो है वो आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम यानी कि आपके ब्रेन या फिर आपके स्पाइनल कॉर्ड तक पहुंच जाएगी, जहां से आपको कमांडिंग या कमांड आपको मिलती है, कमांडिंग न्यूरॉन्स रिलीज होते हैं। ठीक, नर्व इम्पल्सिस बेसिकली क्या होता है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल ट्रेवलिंग डाउन द एक्सोन एंड माइलिन शीथ, एक इंसुलेटिंग कोट की तरह काम करता है, इट कवर द एक्सोन ऑफ सम न्यूरॉन्स एंड हेल्प स्पीड न्यूरल इम्पल्सिस। ठीक है, तो ये हमने देखो डायरेक्शन दिख रही है कि आपके इम्पल्सिस के डायरेक्शन है कि इम्पल्स जो है वो कुछ इस तरीके से ट्रेवल करती है। यहाँ से एक चीज आपको समझ में आई कि जो साइनेप्सिस होते हैं उनका स्पेसिफिक फीचर है, स्पेसिफिक फीचर है इन साइनेप्सिस का कि ये सिग्नल को हमेशा इस डायरेक्शन में ही ट्रेवल कराएंगे, कभी भी सिग्नल ऐसे रिवर्स डायरेक्शन में ट्रेवल नहीं करती। ठीक है, अब हम बात करते हैं टाइप ऑफ न्यूरॉन्स की कि कितने कितने डिफरेंट डिफरेंट टाइप के न्यूरॉन्स आपको अपनी बॉडी में देखने को मिलता है। अगर स्पेसिफिकली ह्यूमन बॉडी की बात करें तो स्पेसिफिकली अगर हम लोग ह्यूमन बॉडी की बात करें तो ह्यूमन बॉडी के केस में जो आपको न्यूरॉन्स देखने को मिलते हैं वो जनरली मल्टीपल न्यूरॉन्स होते हैं। ठीक है, एक अडल्ट की बात करते हैं तो वहां पे आपको मल्टीपोलर न्यूरॉन देखने को मिलते हैं। मल्टीपोलर न्यूरॉन भी आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम में यानी कि आपको आपके ब्रेन रीजन के अंदर स्पेसिफिकली मल्टीपोलर न्यूरॉन देखने को मिलेंगे। अब इतना थोड़ा सा समझ लेते हैं, अभी हमने जो स्ट्रक्चर समझी है ना,
It is an example of multipolar न्यूरोन. एक मल्टीपोलर न्यूरॉन है जिसके स्ट्रक्चर अभी हमने समझी है. मल्टीपोलर का मतलब समझते हैं, मल्टी मतलब बहुत सारे, पोलर मतलब हेड होगा, और यहाँ पे पोल की बात करी जा रही है, यानी कि ये जो प्रोसेस निकले हुए हैं ना, साइटोलॉजिकल प्रोसेस निकले हुए जिन्हें हम डेंड्रोइड्स कह देते हैं, हम इनकी बात कर रहे हैं. सो इनके नंबरिंग के बेस पर हम कह देते हैं कि आपका न्यूरोन मल्टीपोलर है, यूनिपोलर है, या फिर आपका स्यूडोपोलर है. ठीक है, तो मल्टीपोलर न्यूरॉन की स्ट्रक्चर हमने देखी, जिसमें हमने देखा था कि सेल बॉडी के ऊपर बहुत सारे प्रोसेस निकले हुए हैं, कि बहुत सारे डेंड्रोइड्स प्रेजेंट है, और डेंड्रोइड्स के साथ साथ उसके अंदर एक इलोंगेटेड स्ट्रक्चर भी प्रेजेंट है जिसे हम कहते हैं एक्सोन. यानी कि सेल बॉडी के अंदर बहुत सारे यहाँ पे पोल्स प्रेजेंट है. ठीक है, ऐसे सिंपल वे में आप समझ सकते हो. सो डिपेंडिंग ऑन शेप एंड द नंबर एंड अरेंजमेंट ऑफ प्रोसेस एक्सोन एंड डेंड्रोइड्स अराइजिंग फ्रॉम द साइटोम, थ्री टाइप ऑफ न्यूरॉन्स आर रिकॉग्नाइज. तीन टाइप के आपकी बॉडी के अंदर न्यूरॉन्स होते हैं, यूनिपोलर, बायपोलर और मल्टीपोलर. ठीक है, यूनिपोलर मतलब, यूनि का मतलब सिंगल, यानी कि एक ही पोल होगा. अब एक ही पोल का मतलब क्या है, कि साइटोन इज मोर और लेस स्फेरिकल. क्या आपका न्यूरॉन किस इस तरीके का होगा कि सेल बॉडी आपकी स्फेरिकल शेप होगी, सेंटर में न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा और उससे सिर्फ एक ही एक्सिस निकला होगा. ठीक है, यही एक सिंगल एक्सिस निकला होगा, चाहे आप इसे डेंड्रॉइड्स कह लो, चाहे आप इसे एक्सोन कह लो. ठीक है, तो कुछ इस तरीके का अगर न्यूरॉन्स होता है तो उसे हम कहते हैं यूनिपोलर, क्योंकि उसके अंदर सिर्फ एक ही पोल प्रेजेंट है. ठीक है, लेकिन यूनिपोलर न्यूरॉन जब ह्यूमन बॉडी की बात करें तो वो सिर्फ आपको एम्ब्रियोनिक स्टेज पर ही देखने को मिलते हैं. ये एम्ब्रियोनिक स्टेज पर ही देखने को क्यों मिलते हैं, क्योंकि आप ये इस तरीके से भी समझ सकते हो कि एम्ब्रियोनिक स्टेज के टाइम पे हमारी जो सेल्स होती हैं वो डिफरेंशिएट हो रही होती हैं, वो डेवलप हो रही होती है, वो ग्रो हो रही होती है. तो इनिशियल स्टेज पर आपकी जो सेल्स होती है वो डिवाइड भी कर सकती है. न्यूरोनल सेल के हमने कहा कि इनकी लो रीजनरेशन पावर होती है, इवन नो रीजनरेशन पावर होती है, कि फर्दर डिवाइड नहीं करते. जितना भी डिविजन होता है वो एम्ब्रियोनिक स्टेज पर ही हो जाता है. तो उस टाइम पे आपकी सेल डिवाइड कर सकती है, उस टाइम पे इसके पास कैपेबिलिटी है कि मॉडिफाई भी हो सकते हैं, डिफरेंशिएट भी हो सकती है. तो यूनिपोलर न्यूरॉन्स जो होते हैं वो सिर्फ आपको एम्ब्रियोनिक स्टेज पर देखने को मिलते हैं, क्योंकि फर्दर इनके अंदर ग्रो करके मल्टीपोलर न्यूरॉन में कन्वर्ट हो जाते हैं. ठीक है, बाइपोलर न्यूरॉन की बात करें, बाय का मतलब दो, यानी कि दो पोल होंगे, यानी कि यहाँ पे दो एक्सिस निकले होंगे. ये जो बाइपोलर न्यूरॉन्स होते हैं ये बिल्कुल आपकी टॉफी की तरह होते हैं. टॉफी में आपने देखा होगा कि सेंटर के अंदर कुछ इस तरीके से बल्ज प्रेजेंट होता है और इस तरफ आपकी कुछ प्रोसेस निकली होती है और इस साइड आपकी कुछ एक प्रोसेस निकली होती है. ठीक है, तो बिल्कुल कुछ इस तरीके से आपके बाइपोलर होते हैं कि सेंटर में हमारी सोमा बॉडी प्रेजेंट होती है और उसके दोनों एंड के ऊपर, एक साइड उसका एक्सोन होता है, एक साइड उसके डेंड्रॉइड्स होते हैं. ठीक है, टॉफी लाइक स्ट्रक्चर होता है. मल्टीपोलर की बात तो हमने कर ही ली, पूरा स्ट्रक्चर हमने मल्टीपोलर का समझ लिया कि ये हमारा मल्टीपोलर ही है, किस तरीके से उसके अंदर स्ट्रक्चर होती है. सो वेयर द साइटोन हैज सेवरल प्रोसेस, वन ऑफ व्हिच इज लॉन्ग एंड फॉर्म द एक्सोन, सच न्यूरॉन्स आर फाउंड इन सेरेब्रल कॉर्टेक्स. हमारे सेरेब्रल कॉर्टेक्स के अंदर जो न्यूरॉन्स मिलते हैं, जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में मिलते हैं, उन्हें हम मल्टीपोलर न्यूरॉन कहते हैं. ठीक है, उसके अलावा कुछ एक न्यूरॉन्स आपके होते हैं जिन्हें हम एपोलर, एपोलर का मतलब कि कोई भी पोल नहीं है, नो पोल. नो पोल का मतलब कि उसके अंदर कोई भी सेल प्रोसेस नहीं है. सेल प्रोसेस मतलब उसमें सेल प्रोसेस आर आइदर एब्सेंट, या तो एब्सेंट होंगे, या इफ प्रेजेंट आर नॉट डिफरेंशिएटेड इन एक्सोन एंड डेंड्रॉइड्स. कि या तो उसके अंदर आपके साइटोलॉजिकल प्रोसेस होंगे ही नहीं, कोई साइट कोई डेंड्रॉइड नहीं होगा, कोई एक्सोन नहीं होगा, और अगर होंगे तो भी उसको आप डिफरेंशिएट नहीं कर पाओगे. ये आपको हाइड्रा में देखने को मिलता है. हाइड्रा में देखते हो, जब आप इवोल्यूशन पढ़ते हो नर्वस सिस्टम का, तो वहां से आपको एक चीज समझ में आती है. हाइड्रा हमारे अर्लियर ऑर्गेनिज्म, यानी कि उस टाइम पे हाइड्रा के अंदर हमारा नर्वस सिस्टम बिल्डअप नहीं हुआ है. उसके अंदर सिंपली हमारे पास नर्व नेट प्रेजेंट होता है, ये बहुत सारे नर्व सेल्स होती है, उनका नेट प्रेजेंट है, और वो नर्व सेल्स भी इतनी ज्यादा डिफरेंशिएटेड नहीं है, उनका इतना ज्यादा मॉडिफाई नहीं हुआ होता है. तो हाइड्रा के अंदर हमें जो सेल्स देखने को मिलती हैं उतनी ज्यादा वेल डिफाइंड नहीं होती, इसीलिए हम उन्हें ए पोलर कह देते हैं, कि उन सेल के अंदर हम नहीं डिफरेंशिएट कर पाते कि एक्सोन रीजन कहाँ है, उसका डेंड्रॉइड्स रीजन कहाँ है. ठीक है, क्योंकि वहां पर आपके नर्वस सिस्टम वेल डिफाइंड नहीं होता, इवन वहां पे कोई सेंट्रल नर्वस सिस्टम नहीं है. हाइड्रा की बॉडी के अंदर कोई ब्रेन नहीं होता, कुछ नहीं होता, सिंपली उसके बॉडी के अंदर सिर्फ एक नर्व नेट प्रेजेंट होता है. ठीक है, स्यूडो यूनिपोलर, स्यूडो का मतलब होता है फॉल्स. ठीक है, स्यूडो का मतलब होता है फॉल्स.
अब स्यूडो यूनिपोलर मतलब यूनिपोलर जैसे बॉडी आपको दिखाई देगी बट एक्चुअल में वो यूनिपोलर नहीं होगा। स्यूडो यूनिपोलर इसलिए बोला जैसे इसकी स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, देखो इसमें क्या होता है, हमने यूनिपोलर में कहा था कि एक स्फेरिकल बॉडी होती है, उस स्फेरिकल बॉडी से सिर्फ एक ही आपका पोल निकला होता है, चाहे आप उसे डेंड्रॉइड कह लो चाहे आप उसे उसका एक्सोन कह लो, ऐसे होता है ठीक है। जब स्यूडो यूनिपोलर होता है तो उसमें उसकी स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होगी, एक स्फेरिकल बॉडी होगी और स्टार्टिंग में स्फेरिकल बॉडी हमारी यहाँ से इलोंगेटेड लग रही है, इतने पोर्शन हमें यूनिपोलर की तरह लग रहा है कि भाई सेंट्रल बॉडी से सोमा बॉडी से सिर्फ एक ही पोल निकला हुआ है, लेकिन बाद में जाके वो बाइफर्केट कर जाता है, दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है कि एक साइड उसने एक्सोन बना लिया और एक साइड उसके बहुत सारे उसने डेंड्रॉइड्स बना लिए, ठीक है, बहुत सारी ब्रांच लाइक स्ट्रक्चर उसने बना ली। थोड़ा सा वियर्ड सा स्ट्रक्चर है, आई होप आप समझ जाओगे ठीक है। सो बाइपोलर हमने कहा था टॉफी लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसमें आपका सेंटर में सेल बॉडी प्रेजेंट होगी और दो एक्सोन निकले होंगे उसकी दोनों साइड के ऊपर, एक उसका डेंड्रॉइड बन जाएगा दूसरा उसका सेल एक्सोन बन जाएगा ठीक है। स्यूडो यूनिपोलर में जिसमें इनिशियल स्टेज पे हमें लगता है कि भी एक ही पोल निकला हुआ है सोमा बॉडी से पर बाद में वो बाइफर्केट कर जाता है। मल्टीपोलर की बात करें तो उसमें बहुत सारे पोल्स निकले होंगे, जैसे हमारी सेंट्रल बॉडी है यहाँ से बहुत सारे पोल्स निकले हुए हैं जिन्हें हम डेंड्रॉइड्स कह देते हैं, और एक पोल्स होता है जो इलोंगेटेड स्ट्रक्चर बन के एक्सोन टर्मिनल की फॉर्म करता है। आई होप इसे आपको समझ में आया होगा कि एक्सोन की स्ट्रक्चर कैसी होती है, क्या डिफरेंट डिफरेंट उसके टाइप है, उसके शेप के बेस पर हम उन्हें कैसे क्लासिफाई करते हैं। इसके बाद जो भी हमारा पोर्शन होगा वो हम नेक्स्ट लेसन में कवर करेंगे। सो टिल देन थैंक यू सो मच।